साइन 3x प्लस साइन x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस x इंटू कॉस x। अब इसे हमें क्या प्रूफ करना है, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो इसको कैसे प्रूफ करें, अब देखो पहले यहां पे हमें सीधे सीधे आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, कौन सी, साइन एक्स प्लस साइन वाई वाली। साइन एक्स प्लस साइन वाई की आइडेंटिटी क्या है आपकी, टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस एक्स माइनस वाई बाय टू, और यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगती हुई दिख रही है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई की, तो वो क्या होती है, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू कॉस, सॉरी साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, ठीक है। जब दोनों कॉस में होते हैं और माइनस आता है बीच में, तो यहां दोनों साइन में आ जाएंगे। अगर साइन में प्लस में होता है तो पहले वाला साइन होता है, दूसरे वाला कॉस होता है। तब ये दोनों आइडेंटिटी हमने यहां पे पुट कर दी तो क्या बन जाएगा, पहले आपका ये वाली आइडेंटिटी तो क्या बन गया, टू साइन एक्स प्लस वाई यानी थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स बाय टू यानी कि टू एक्स, कॉस एक्स माइनस वाई थ्री एक्स माइनस एक्स, टू एक्स अपॉन टू एक्स, तो कॉस एक्स हो गया, और बाहर आपका साइन एक्स है प्लस। अब यहां पे कॉस थ्री एक्स माइनस कॉस एक्स में ये वाली आइडेंटिटी तो क्या बन जाएगा, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाय टू, एक्स प्लस वाई थ्री एक्स प्लस एक्स, फोर एक्स बाय टू टू एक्स, साइन एक्स माइनस वाई बाय टू, सो साइन एक्स माइनस वाई करेंगे तो थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स हो गया अपॉन टू एक्स इंटू कॉस एक्स, क्लियर यहां तक। अब इनको ब्रैकेट ओपन कर दिया तो टू साइन टू एक्स कॉस एक्स साइन एक्स, और यहां पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और ऑर्डर में अगेन माइनस टू साइन टू एक्स और कॉस एक्स को इधर कर दिया, और ऐसा हमने इसलिए किया, ध्यान से अब ये देखो ये दोनों आपके सेम हो गए हैं और आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस, तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा, जीरो, इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव। आया समझ में, सो दो ही आइडेंटिटी आपकी लगी और उससे आपका इजिली प्रूफ हो गया।